तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नमः पिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं त्वर्मा पिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणु श्यामलोयं कुमारकः वेद वेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण 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 एक दो लाइट श्रोता दिखाई पड़े उधर की खुलवा दो श्रोता दिखाई पड़े उधर की नारायण हाँ ठीक सब उपस्थित समादरणीय संत वृंद विद्वत वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति आप महान भावों ने उत्साह आस्था
और आह्लाद पूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में गुप्त अथवा प्रकट जिन महान भावों का योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, भगवान मनु ने इस तथ्य को उद्घोषित किया कि भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। जो कुछ कालगर्भित तत्व हैं उन सब का उद्भाषक वेद सिद्ध होता है। कालगर्भित जितने पदार्थ हैं उन सब का विज्ञान वेदों के अध्ययन और अनुशीलन से संभव है। वेदों का बीज प्रणव या ओंकार है। जैसे वट बीज की महिमा वट वृक्ष की महिमा ही सिद्ध होती है, वैसे ही वेद बीज प्रणव या ओंकार की महिमा वेदों की महिमा सिद्ध होती है। अथर्ववेद से संबद्ध मांडुक्य उपनिषद में प्रणव के महत्व को ख्यापित करते हुए कहा गया है, यच्चत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। काल गर्भित ही नहीं अपितु जो कुछ काल से अतीत अव्याप्तितादि तत्व हैं उन सब का अधिगम या परिज्ञान भी वेदों के द्वारा ही होता है। वैदिक महर्षियों ने विश्व को अर्थशास्त्र दिया, धर्मशास्त्र दिया, कामशास्त्र दिया, मोक्षशास्त्र दिया, नीति शास्त्र दिया, चिकित्सा शास्त्र दिया, वास्तु विज्ञान दिया। इसी प्रकार से गणित आदि का विज्ञान भी दिया। वेद की परिधि या सीमा के बाहर कोई ज्ञान विज्ञान हो ही नहीं सकता है। परंतु ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि जैसे नेत्रों के माध्यम से ही नील पीत श्वेत आदि रूपों का अधिगम संभव है, नील पीत श्वेत रूपादि नेत्रैक समधिगम्य हैं, ठीक इसी प्रकार धर्म और ब्रह्म वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य हैं। प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत और अबाधित धर्म और ब्रह्म वेदैक समधिगम्य हैं। जिनके जीवन में धर्मनिष्ठा नहीं और भगवत भक्ति रूपा ब्रह्मनिष्ठा नहीं, उनका जीवन प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर जीवन ही सिद्ध होता नहीं। जीवन को सार्थक करने वाले दो तत्व हैं धर्म और ब्रह्म। वेदों का तात्पर्य पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा के माध्यम से महर्षियों ने अभिव्यक्त किया है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ था तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है, उत्तर मीमांसा का प्रारंभ था तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। एक विचित्र तथ्य है कि चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जो कुछ दिव्यता या चमत्कृति है वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड के कारण ही है। मैं एक विचित्र तथ्य यहाँ उद्भाषित करना उचित समझता हूँ, सावधान। आजकल जो क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग हमको परिलक्षित होता है, जिसे शास्त्र सम्मत भाषा में जम्बू द्वीप हम कह सकते हैं, वेद विहीन विज्ञान के माध्यम से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प इसमें चलाया जा रहा है। लेकिन विचार करने की आवश्यकता है, वेद विहीन या वेद असम्मत विज्ञान के द्वारा जब विकास को परिभाषित तो क्रियान्वित करते हैं, तब विकास के नाम पर नरक और नारकीय प्राणियों का ही भूमंडल सिद्ध होता है। आजकल हम
देख रहे हैं हाथ कंगन को आरसी क्या विकास के गर्भ से विनाश उद्भूत हो रहा है। इसलिए यह हृदयंगम करने की आवश्यकता है कि विश्व में जहाँ कहीं चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में चमत्कृति है वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड के कारण है। अब परंपरा प्राप्त आस्तिक हैं, अब सुगमता पूर्वक तथ्य को समझ सकते हैं कि हमारे दिक्पाल इंद्र वरुण आदि जो भी हैं वे पहले भारतवर्ष में मनुष्य शरीर में सत्कुल में उत्पन्न थे। वेद सम्मत कर्मोपासना का उन्होंने समुचित अनुष्ठान किया जिसके प्रभाव से वे देहा त्याग के बाद इंद्रादि पदों को प्राप्त हुए। इसका अर्थ है कि विश्व में जहाँ कोई चमत्कृति है वो वेदों के कारण है। अब हम वैदिक गणित की ओर अग्रसर होते हैं। सावधान, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद में शून्य एक दस आदि अंक और संख्या का उल्लेख किया गया है। एक विचित्र तथ्य है, जो वैदिक याग होता है श्रौत याग उसमें 16 ऋत्विक होते हैं, एक यजमान होता है, एक यजमान की पत्नी होती है, कुल 18 संख्या का श्रौत याग में सन्निवेश मान्य है। वैदिक वाङ्मय में और इतिहास में 18 का बहुत महत्व है। हम विचार करके देखें तो 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, 18 औपपुराण हैं, महाभारत के 18 पर्व हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 18 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का प्रकाश प्राप्त है। श्री राम और रावण का द्वंद्व युद्ध भी स्कंदादि पुराणों के अनुसार 18 दिनों तक प्राप्त है। महाभारत युद्ध भी 18 दिनों तक प्राप्त है और 18 अक्षौणी सेना भी आप जानते हैं। इसी प्रकार गणित जगत में 18 का बहुत महत्व है। एक लिखने के बाद 17 शून्य लिखने पर जो संख्या बनती है उसे वैदिक गणित में परार्ध कहा जाता है। एक के बाद 17 शून्य लिखने पर जिस संख्या की उद्भावना होती है उसे परार्ध कहते हैं। तैत्तरी उपनिषद का अनुशीलन करें तो मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद चक्रवर्ती नरेंद्र को कदाचित सुलभ हो तो उसे मानुषानंद कहते हैं। सप्तक द्वीपा मेदिनी का एक क्षत्र कोई सम्राट हो, स्वस्थ हो, संयम युक्त हो, सदाचार से संपन्न वेदज्ञ हो और मर्त्यलोक का सारा निष्कंटक वैभव उसे भोग्य के रूप में सुलभ हो, ब्रह्म मुहूर्त में प्रजा यशोगान करती हो, उस भूमंडल के राजा को जो आनंद मिलता है उसे मानुषानंद के रूप में तैत्तरीय उपनिषद में ख्यापित किया गया है। उस मानुषानंद की अपेक्षा हिरण्यगर्भ जिनको ब्रह्मा कहते हैं उनको प्रतिक्षण व्यवहार दशा में 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त होता रहता है। मर्त्यलोक में सुलभ सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा एक लिखने पर 20 शून्य लिखिए उसे 1000 या 1000 परार्ध कहते हैं, उतना आनंद ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण प्राप्त होता रहता है। तो हमने एक संकेत किया कि वेदों में परार्ध ही नहीं 1000 परार्ध तक की गणना हमको प्राप्त है। पूरे विश्व को दशमलव पद्धति का विज्ञान वेदों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। वैदिक महर्षियों ने गणित जगत में एक बहुत उत्तम उत्कृष्ट कोटि का ज्ञान विज्ञान ख्यापित किया। एक संकेत करना आवश्यक है, जब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि संख्या का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण दशा में
अंक अक्षर का रूप धारण कर लेता है। अंकामनाय उच्चारण की दशा में अक्षरामनाय के रूप में परिणत हो जाता है। यही कारण है कि वैदिक वाङ्मय में अक्षरामनाय को जितना विस्तृत स्थान प्राप्त हुआ उतना अंकामनाय को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन विचार करने पर हम किसी भी संख्या का अक्षर का भी आकलन करते हैं, अक्षर की गणना करते हैं, शब्दों की गणना करते हैं, तब अक्षरामनाय का पर्यवसान अंकामनाय में हो जाता है। इस प्रकार अक्षर और अंक में, अंक और अक्षर में बहुत घनिष्ठ संबंध है। एक विचार करने की आवश्यकता है कि जगत की संरचना को लेकर विविध दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से विचार किया है, लेकिन वैज्ञानिक जगत में भी स्वस्थ क्रांति के लिए तत्वों की संख्या सचमुच में कितनी होनी चाहिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अमेरिका में एक वैज्ञानिक हैं जो भारत के हैं, पढ़ाते हैं, बहुत उत्तम ढंग के प्राध्यापक हैं, बलराम सिंह। वे अभी 3 दिनों के लिए पुरी में आए थे, 3 बार मेरे पास आए। हमने बताया कि रसायन शास्त्र के अनुसार, भौतिक विज्ञान के अनुसार तत्वों की संख्या कम या अधिक न हो इसकी विधा क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि तत्वों की संख्या वैज्ञानिक बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक निश्चित विज्ञान है। वैदिक वाङ्मय में तत्वों को परिभाषित तो ख्यापित करने का जो एक विधान है उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। थोड़ा विचार कीजिए गणित की दृष्टि से, 9 से 1 ऋण करेंगे तो 8 होगा, 8 से 1 न्यून संख्या का नाम 7, 7 से 1 न्यून संख्या का नाम 6, 6 से 1 न्यून संख्या का नाम 5, 5 से 1 न्यून संख्या का नाम 4, 4 से 1 न्यून संख्या का नाम 3, 3 से 1 न्यून संख्या का नाम 2, 2 से 1 न्यून संख्या का नाम 1 और 1 से 1 न्यून अंक का नाम 0 होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर हम मूल की ओर बढ़ते हैं तो सन्निकट निर्विशेषता की प्राप्ति होती है। 9 की अपेक्षा 8, 8 की अपेक्षा 7, 7 की अपेक्षा 6, 6 की अपेक्षा 5, 5 की अपेक्षा 4, 4 की अपेक्षा 3, 3 की अपेक्षा 2, 2 की अपेक्षा 1 और 1 की अपेक्षा 0। एक न्यून होने के कारण सन्निकट निर्विशेष है। ध्यानपूर्वक सुनिए, सन्निकट सविशेषता को लेकर कार्य की सिद्धि होती है और सन्निकट निर्विशेषता को लेकर कारण की सिद्धि होती है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 क्रमशः एक अंक न्यून होने के कारण निर्विशेष है। अब 0 से न्यून कोई अंक सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमने अपने ग्रंथों में 26 दोष दिया है। अगर 0 से भी कोई न्यून अंक की कल्पना करते हैं गणितज्ञ तो 26 महान दोषों की प्राप्ति होती है। आजकल हम वैदिक गणित में लगभग 350-350 पृष्ठ हैं, उनमें केवल 25 पृष्ठों की व्याख्या कर रहे हैं और 770 पृष्ठों में अब तक व्याख्या पूर्ण हुई है। वैदिक गणित के 25 पृष्ठों की व्याख्या 770 पृष्ठों में आज पूर्ण हुई है। उस ग्रंथ का नाम हमने रखा है वैदिकार्ष गणित, प्रथम भाग है यह। तो हमने संकेत किया कि सन्निकट निर्विशेषता की ओर हम चलते हैं, 0 सर्वाधिक निर्विशेष है। 0 की अपेक्षा कोई निर्विशेष अंक हो ही नहीं सकता है। अगर 0 से भी न्यून अंक को मानते हैं तो गणित में यह विसंगति प्राप्त होती है कि मूल अंक हमको प्राप्त ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में
शून्य से शून्य का ऋण करेंगे तो भी शून्य होता है, एक से एक का ऋण करेंगे तो भी शून्य होता है, दो से दो का ऋण करेंगे तो भी शून्य होता है, तीन से तीन का ऋण करेंगे तो भी शून्य होता है, किसी भी अंक या संख्या से उसी का ऋण करने पर शून्य की ही प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि शून्य मूलांक है। और एक विचित्र बात है सज्जनों, एक को एक क्यों कहते हैं? शून्य के बाद जिस अंक का एक स्थान है उसी का नाम एक है। दो का अर्थ होता है शून्योत्तर दो, तीन का अर्थ होता है शून्योत्तर तीन, चार का अर्थ होता है शून्योत्तर चार। इस प्रकार से वैदिक प्रस्थान के अनुसार शून्य प्रथम अंक सिद्ध होता है। वन माइनस वन इजकल टू जीरो, वन जीरो प्लस वन इजकल टू वन, इस प्रक्रिया का अनुशीलन करने पर भी यही तथ्य सिद्ध होता है कि वैदिक प्रस्थान में शून्य को आदि अंक माना गया है। अब हम तत्व के दृष्टि से विचार करते हैं। आकाश से आप परिचित होंगे, नाम तो सुना ही होगा। आजकल के वैज्ञानिकों को आकाश का पता नहीं है। ईथर कहते हैं, वो ईथर तो गैस विशेष है, उसका रंग भी है। आकाश निरूप पदार्थ है। आकाश में केवल एक गुण होता है शब्द। वायु में शब्द स्पर्श दो गुण होते हैं, तेज में शब्द स्पर्श रूप तीन गुण होते हैं, जल में शब्द स्पर्श रूप रस चार गुण होते हैं, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच गुण होते हैं। अब विचित्र बात है कि पृथ्वी के कार्य वृक्षादि हैं, घटादि हैं, इनमें कोई छठे गुण की उपलब्धि नहीं होती। तो चरम कार्य किसको मानेंगे, अंतिम कार्य किसको मानेंगे? वैज्ञानिक विधा से वैदिक गणित इसको निरूपित करता है। कोई भी कार्य जब अपने से अधिक गुण वाले, अपने से अधिक विशेषता वाले कार्य को उत्पन्न न करे, उसी को हम अंतिम या चरम कार्य कहते हैं। पृथ्वी का कार्य माना जाता है वृक्ष, पृथ्वी के कार्य घटादि भी हैं, लेकिन इनमें कोई छठी विशेषता नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अतिरिक्त पृथ्वी के जितने कार्य बताए जाते हैं उनमें कोई छठी विशेषता नहीं है, इसलिए पृथ्वी को हम अंतिम कार्य मानते हैं। जहाँ विशेषता थम जाए, रुक जाए, कोई वह वस्तु जो अपने से अधिक विशेषता वाले कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ ना हो, समझना चाहिए कि विशेषता को वहीं विराम प्राप्त होता है। और विशेषता जहाँ जाकर निर्मूल हो जाए, जिससे अधिक निर्विशेष की कल्पना न की जाए, उसी को हम मूल तत्व मानते हैं। तो जैसे आकाश में केवल एक गुण है, भूतों में प्रथम गुण आकाश को माना जाता है, और पृथ्वी में पांच गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वृक्षादि में किसी छठे गुण का आधान पृथ्वी नहीं कर पाती। और अगर कोई छठा गुण होता तो हमारे पास पांच ज्ञानेन्द्रियां न होकर छठी कोई ज्ञानेन्द्रिय भी होती। शब्द को ग्रहण करने के लिए अतीन्द्रिय श्रोत्र, स्पर्श को ग्रहण करने के लिए त्वक, रूप को ग्रहण करने के लिए नेत्र, रस को ग्रहण करने के लिए रसनेन्द्रिय, गंध को ग्रहण करने के लिए घ्राणेन्द्रिय या नासिका, पांच ही ज्ञानेन्द्रियां हमको सुलभ हैं। एतावता सिद्ध है कि पांच गुण ही होते हैं और पांचों गुण पृथ्वी में विद्यमान हैं। इसलिए पृथ्वी अपने से अधिक विशेषता वाले किसी कार्य को उत्पन्न नहीं करते, अतः भूतों में अंतिम भूत चरम भूत का नाम है पृथ्वी। अब आकाश में एक गुण है, आकाश का कारण कौन हो सकता है इस पर विचार करें तो जो आकाश में शब्द नामक गुण है उसकी बीजावस्था जिसको प्राप्त हो। जैसे वृक्षादि की बीजावस्था बीज है, उसी प्रकार से शब्द नामक गुण की बीजावस्था कौन है? अव्याकृत प्रकृति या माया। लेकिन जैसे चना मटर आदि के बीज में जो संस्कार होते हैं, अंकुर आदि देने की क्षमता होती है, अगर उस बीज को भून दिया जाए या घुन लग जाए तो अंत में बीज का पर्यवसान अंकुरादि में ना होकर पृथ्वी में ही हो जाता है। इसी प्रकार शब्द की जो बीजावस्था अव्याकृत अव्यक्त या प्रकृति है, उस बीजावस्था का भी विलोप हो जाए, संस्कार विहीन कार्योत्पादनी शक्ति या क्षमता से रहित हो जाए अव्यक्त, उसी का नाम ब्रह्म हो जाता है।
जैसे बीज का पर्यवसान पृथ्वी है, वैसे प्रकृति अव्यक्त या माया का पर्यवसान भी वेदांत प्रस्थान में ब्रह्म को माना गया है। तो दर्शन और गणित में सामंजस्य साधने की आवश्यकता है, हमने संकेत किया। अब एक विचित्र तथ्य है कि भारतीय कृंजी महाभाग जिनका नाम लिया गया, वो गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143वें मान्य जगत गुरु शंकराचार्य थे। 14 मार्च 1884 में उनका जन्म हुआ था। 2 फरवरी 1960 में उनका देहावसान हुआ। कुल 76 वर्ष की आयु पर्यंत वे भूमंडल की शोभा बढ़ाते रहे। 1 वर्ष की सीमा में उन्होंने 7 विषयों से MA प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। उन दिनों MSc को भी MA कहा जाता था। और 14 वर्ष की आयु में संस्कृत भाषण में उनको सरस्वती की उपाधि दी गई थी। वे 14 भाषा के मूर्धन्य विद्वान थे, गणित आदि के प्रकांड पंडित विश्व स्तर के थे। कर्नाटक में आजकल श्रृंगेरी है, वहाँ के वन में रहकर उन्होंने 8 वर्षों तक अथर्ववेद के शुल्ब सूत्र आदि का अनुशीलन किया था। उसके आधार पर उन्होंने संस्कृत में 16 सूत्रों की संरचना की और बहुत से उपसूत्रों की संरचना की। प्रसिद्धि यह है कि 13 उपसूत्रों की संरचना की, लेकिन मैंने अपने ग्रंथ में अतिरिक्त सूत्रों का भी अनुसंधान करके लिखा है कि 13 से भी अधिक उपसूत्रों की उन्होंने संरचना की। वैदिक गणित में जो 16 सूत्र हैं, उन सूत्रों का प्रयोग गणित के किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। इस विधा से उन्होंने सूत्रों की संस्कृत में संरचना की और एक एक वॉल्यूम या खंड, एक एक सूत्र की व्याख्या करने की भावना से उन्होंने रचना की। किसी शिष्य के घर में उन्होंने कालक्रम से 16 खंडों को रखा। उनके जीवन काल में ही उनको पता चल गया कि शिष्य के घर से 16 के 16 खंड विलुप्त हो गए। अब हम लोगों को पता चलता है कुछ तस्करी भी गणित विद्या की हुई, क्योंकि उनके ग्रंथ अंग्रेजी में होते थे और अंग्रेजी को समझने में पाश्चात्य जगत माहिर था, दक्ष था। जो कुछ भी हो, शिष्य के प्रमाद से 16 के 16 वॉल्यूम या ग्रंथ उनके जीवन काल में विलुप्त हो गए। अमेरिका में जब वो निवास कर रहे थे, सन 1956 की बात है, तब उन्होंने 1.5 महीने की अवधि में जो भूमिका रूप में ग्रंथ लिखा अंग्रेजी में, उसी का नाम वैदिक मैथमेटिक्स है। आजकल जो हमको वैदिक मैथमेटिक्स सुलभ है, 1.5 महीने की अवधि में अमेरिका में श्री भारती कृंजी महाभाग ने उस ग्रंथ की संरचना की थी। पांडुलिपि भी वे अमेरिका में ही छोड़ आए थे। मोतियाबिंद की स्थिति में बहुत कष्ट सह करके भी उन्होंने जो 16 ग्रंथ वैदिक मैथमेटिक्स के लुप्त हो गए थे, उनकी भूमिका के रूप में 16 सूत्रों का, विविध सूत्रों का उपयोग किया। लगभग वैदिक गणित में सूत्र और उपसूत्रों की संख्या 38 हो जाती है। अभी जो हमारा ग्रंथ छपेगा उसमें विस्तार पूर्वक हमने उसका उल्लेख किया है। एक विचित्र बात है, प्रायः लोग कहा करते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स नाम तो है लेकिन वेदों में कोई सूत्र तो ऐसा उपलब्ध नहीं होता। उन्होंने वेदों को महिमान्वित करने की भावना से, अपनी मेधा शक्ति के प्रभाव से, जिस गणित की उद्भावना की, जिन सूत्रों की संरचना की, उसी का नाम वैदिक मैथमेटिक्स दे दिया। प्रायः उनके जीवन काल में भी इस प्रकार का प्रवाद था। मेरे कानों तक भी यह सुनने को बात मिली कि एक भी सूत्र वेदों में सुलभ नहीं होते। अथर्ववेद का उन्होंने नाम लिया, परिशिष्ट भाग शुल्ब सूत्र का उन्होंने नाम लिया, लेकिन उनका जीवन काल तो अधिक प्राचीन नहीं है, हमने बताया।
1884 से लेकर 1960 तक उनका जीवन काल है। उस समय जो वेद विज्ञान या वैदिक शाखाएं अथर्वेद आदि की हमको प्राप्त थी, आज भी प्राप्त हैं प्रायः। ऐसी स्थिति में अगर वेदों में वेद सूत्र होते तो अवश्य ही उपलब्ध होते, ऐसी भावना लोगों की व्यक्त हमारे सामने भी आई। हमने विचार किया, सावधान होकर सुनिए, वैदिक मैथमेटिक्स का या वैदिक गणित का अर्थ क्या है, इस पर मैं 2-4 मिनट बोलना उचित समझता हूँ। वेद और वैदिक वाङ्मय में सुलभ जो गणित का विज्ञान है और वेद तथा वैदिक वाङ्मय के आधार पर जिस गणित की संरचना हुई है उसका नाम वैदिक मैथमेटिक्स या वैदिक गणित है। फिर से सुनिए, वैदिक गणित का अर्थ क्या है। ऋक यजुः साम और अथर्व जो वेद हैं उनसे संबद्ध जो उपनिषदें हैं और वैदिक वाङ्मय उनके आधार पर विनिर्मित और वैदिक वाङ्मय में सुलभ जो गणित का विज्ञान है उसका नाम वैदिक मैथमेटिक्स या वैदिक गणित है। वैदिक गणित का अर्थ यह नहीं होता कि ऋक यजुः साम और अथर्व में ही वे सब के सब सूत्र हों। फिर से सुनिए, ऋगादि वेदों के और वैदिक वाङ्मय के आधार पर विनिर्मित तथा ऋगादि वेदों में वैदिक वाङ्मय में सन्निहित जो गणित का विज्ञान है उसे वैदिक गणित कहते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मान्य महान भाव ने जो उपसूत्रों की संरचना की, वैदिक मैथमेटिक्स में जो उपसूत्र दिए गए हैं उनमें एक सूत्र पर मेरा ध्यान सर्वप्रथम केंद्रित हुआ, शिष्यते शेष संज्ञा, एक सूत्र है शिष्यते शेष संज्ञा। मैं जो कि वृंदावन में श्रीमद् भागवत पर प्रवचन 25 वर्षों तक कर चुका था, मुझे ध्यान में था श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2वें अध्याय के 25वें श्लोक का एक चरण है यह। फिर से सुनिए, शिष्यते शेष संज्ञा, वैदिक मैथमेटिक्स में एक उपसूत्र है शिष्यते शेष संज्ञा। वो सूत्र जो के त्यों श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद अध्याय 2 के 25वें श्लोक का एक अंश है। एक विचित्र मेधा शक्ति श्री भारती कृष्ण जी महाभाग के जीवन में सुलभ थी, तपस्या के आधार पर, हरिगुरु करुणा के आधार पर, कि यह जो वचन है श्रीमद् भागवत में शिष्यते शेष संज्ञा, इसका अर्थ दार्शनिक धरातल पर यह है कि महाप्रलय में केवल परमात्म तत्व या भगवत तत्व ही अवशिष्ट रहता है। महाप्रलय में नष्ट होने से, विलीन होने से जो बच जाए उसका नाम शेष है, या दार्शनिक तथ्य है शिष्यते शेष संज्ञा। महाप्रलय में नष्ट होने से, विलीन होने से सबका उद्गम स्थान जो तत्व अवशिष्ट रह जाए उस परमात्मा का नाम शेष है। दार्शनिक धरातल पर शिष्यते शेष संज्ञा का यह अर्थ होता है। लेकिन गणित में भी हम जब ऋण की प्रक्रिया अपनाते हैं तो बाकी बच जाए उसका नाम शेष है, और चरम शेष अंत में शून्य ही बचता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, दार्शनिक तथ्य को उन्होंने गणित में ढाल दिया, ये उनकी अद्भुत मेधा शक्ति थी। साथ ही साथ मैं एक संकेत करता हूँ, अग्नि पुराण में गणित का बहुत अच्छा वर्णन है, नारद पुराण में भी गणित का वर्णन है। इसी प्रकार से आर्यभट्ट इत्यादि मनुष्यों ने गणित की विद्या को विकसित किया है। वैदिक मैथमेटिक्स में यह विशेषता है कि उन सबको आत्मसात करके श्री भारती कृष्ण महाभाग ने सूत्रों की संरचना की। सूत्र की संरचना पर
हमने लगभग 100 पृष्ठ उस ग्रंथ में सन्निहित किया है, सूत्रों की आधारशिला किया है। इस पर हम 2 मिनट बाद प्रकाश डालना उचित समझते हैं। अब एक विशेष शुभ सूचना, पूरे विश्व को ध्यान में रखकर मैं आप महानुभावों के सम्मुख प्रस्तुत करना उचित समझता हूँ। सावधान, नीति परक, अध्यात्म परक, दर्शन परक, व्यवहार परक, वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत से सूत्र हैं, उनको ग्रंथकार ने गणित के संदर्भ में ढाल दिया है। एक उनकी विशेषता थी, नीति परक वचन, दर्शन परक वचन, व्यवहार परक वचन, गणित में कैसे प्रयुक्त और विनियुक्त हो सकते हैं, इसकी चमत्कृति उन्होंने उपसूत्रों के माध्यम से दिखाई है। जितने उपसूत्र हैं वे वैदिक वाङ्मय में कहाँ कहाँ किस स्थल पर सन्निहित हैं, भगवत कृपा से उनका संकलन करके हमने इस ग्रंथ में रखा है। उस ग्रंथ का लोकार्पण गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होना है। एक विश्व के लिए अद्भुत देन होगी कि अब तक जो लोग उपालम में उलाहना देते थे, कहीं भी वैदिक वाङ्मय में वो सूत्र सुलभ नहीं होते। एक एक सूत्र किन किन ग्रंथों में पहले से सन्निहित हैं, उनका आधार क्या है, यह भी संकेत किया गया है। साथ ही साथ सूत्र संरचना के संबंध में मैं कुछ प्रकाश डालना उचित समझता हूँ, क्योंकि मान लीजिए किसी ने सूत्र को तो याद कर लिया, झटपट जटिल से जटिल पहेली को सुलझा सकता है। भारतीय कृष्णचर्य महाभाग का वचन है वैदिक मैथमेटिक्स में, 3 घंटे नित्य परिश्रम अगर कोई 3 वर्षों तक करे, बल्कि उन्होंने यहाँ तक लिख दिया 3 घंटे नित्य कोई 1 वर्ष की अवधि तक परिश्रम करे, तो वैदिक मैथमेटिक्स के माध्यम से गणित का उतना ऊंचा ज्ञान हो सकता है जो 20 वर्षों तक 3 घंटे नित्य परिश्रम करने पर आधुनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से हो सकता है। फिर से सुनिए, भारतीय कृष्ण महाभाग का वचन है वैदिक मैथमेटिक्स में, 2 या 3 घंटे नित्य 1 वर्ष की अवधि तक कोई परिश्रम करे, मनोयोग पूर्वक वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों का प्रयोग सहित अनुशीलन करे, तो उतना ज्ञान गणित का प्राप्त हो जाता है जितना आधुनिक विद्यापीठों के माध्यम से 2-3 घंटे नित्य परिश्रम करने पर 20 वर्षों में प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब ट्रैक्टर की चाल जो गणित की थी उसको उन्होंने राजधानी एक्सप्रेस की चाल दे दी। यह वैदिक मैथमेटिक्स की विशेषता है, सूत्रों के आधार पर उन्होंने अत्यंत आह्लाद पूर्वक जटिल से जटिल गणित की पहेलियों को सुलझाने का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन सूत्रों की आधारशिला क्या है, सूत्रों के उपजीव्य क्या हैं, यह सूत्र पहले से वैदिक वाङ्मय में कहाँ कहाँ सन्निहित हैं और किस रूप में सन्निहित हैं, इसका मैंने संकेत किया। जो ग्रंथ हमारा प्रकाशित होगा लगभग 800 पृष्ठों में, उसमें वो सब स्थल सहित सूत्र मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी बात है कि उन्होंने जो 8 वर्षों तक तप किया, तपोमय जीवन के बल पर जिन सूत्रों की उद्भावना की, उन सूत्रों की संरचना की आधारशिला क्या है, इस पर मैं संकेत करना उचित समझता हूँ। प्रयोग का आकलन करके, जैसे 1/19 1 को भाग देंगे 19 से, अब भाग देने में कितना समय लगेगा, 2 को भाग देंगे 29 से, भिन्न की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार से 4 को भाग देंगे 49 से, 5 को भाग देंगे 59 से, 8 को भाग देंगे 89 से, तो बहुत समय लगेगा। लेकिन कल्पना कीजिए, 1 को हमने 19 से भाग दिया, अब जो पूरी प्रक्रिया प्राप्त होगी, उस प्रक्रिया में अनुगत जो अधिनियम हैं, गणित के किसी भी प्रश्न को सुलझाने में अनुगत जो नियम हैं, अधिनियम हैं, सिद्धांत हैं,
उनका अनुशीलन करके उन्होंने सूत्रों की संरचना की। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ सूत्रों के आधार पर झटपट प्रश्न का उत्तर तो मिल जाएगा, लेकिन सूत्र रचना की क्षमता नहीं आएगी। जब तक सूत्र रचना की प्रक्रिया क्या है, आधारशिला क्या है, भारतीय टीवी महाभाग ने जो सूत्रों के माध्यम से विश्व को चमत्कृति पूर्ण आह्लादपूर्ण एक विशेष विज्ञान प्रदान किया, हम भी उन सूत्रों का आलंबन लेकर उस प्रकार का ज्ञान विज्ञान उद्भाषित कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि सूत्र संरचना का उनका दृष्टिकोण क्या था। रहस्य होने पर भी मैं सार्वजनिक रूप में आप लोगों ने बहुत आस्थापूर्वक इस संगोष्ठी का समायोजन किया है, संकेत करना उचित समझा है। वो संकेत यह है कि प्रयोग की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अधिक समय में अधिक परिश्रम पूर्वक अगर हम एक में 19 से भाग देते हैं, दो में 29 से भाग देते हैं, इसी प्रकार से एक में 59 से भाग देते हैं, लंबी प्रक्रिया का अनुशीलन करेंगे जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, अनुगत सिद्धांत कहते हैं, जिन जिन प्रश्नों के उत्तर में जो जो अनुगत सिद्धांत उनको प्राप्त हुए, उन अनुगत सिद्धांत को उन्होंने क्या किया, सूत्र के रूप में ढाल दिया। इस प्रकार से श्रम की बचत हुई, समय की बचत हुई और सहयोगी की बचत हुई, कागज कलम की बचत हुई, मेधा शक्ति का भी अधिक उपयोग नहीं हुआ और आह्लाद पूर्वक मनोरंजन पूर्वक सरसता पूर्वक गणित का जटिल से जटिल प्रश्न भी उत्तरित हो गया। इसका अर्थ है कि श्रम बचाने की भावना से, सहयोगी बचाने की भावना से, सामग्री बचाने की भावना से सूत्रों की संरचना की, लेकिन सूत्रों की आधारशिला क्या है, गणित के जितने प्रयोग हैं उन प्रयोगों में अनुगत जो सिद्धांत है, जितनी घाटियों में वो अनुगत सिद्धांत प्राप्त हुए, उसी के आधार पर उन्होंने सूत्रों की संरचना कर दी। साथ ही साथ मनोविज्ञान को भी एक मैं उदाहरण देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो हमारे ऋषियों का है, लेकिन आधुनिक दृष्टि से मैं गुरुत्वाकर्षण का तीसरा जो नियम न्यूटन का दिया हुआ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है, यह तो विज्ञान का सूत्र है, लेकिन व्यवहार में भी ज्यों के त्यों प्रतिफलित होता है। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है, यह नीति शास्त्र भी है, व्यवहार भी है, मनोविज्ञान भी है और विज्ञान भी है, गणित भी है। तो जैसे टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है, यह जो व्यवहार परक नीति परक मनोविज्ञान परक वचन है, यह विज्ञान के क्षेत्र में भी गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में भी क्रियान्वित होता है। ठीक इसी प्रकार भारतीय कृंज महाभाग ने मनोविज्ञान को भी, दर्शन को भी, व्यवहार को भी उद्भाषित करने वाले जो वचन, उनको गणित में ढाल दिया, यह उनकी विशेष बात है। और जहाँ पर उन्होंने जिन सूत्रों को सीधे गणित पर लिखा, वे सूत्र वैदिक वाङ्मय में कई सुलभ नहीं हैं, लेकिन उनकी आधारशिला अग्नि पुराण नारद पुराण आदि में ज्यों के त्यों उपलब्ध है। अर्थात ऋग्वेदादि में भी शून्य का दशमलव पद्धति का विज्ञान है, उनका अनुशीलन करके उन्होंने जो गणित की सामग्री वैदिक वाङ्मय में, वेद और वैदिक वाङ्मय में पहले से थी, उनका अनुशीलन करके मान्य श्री भारती कृष्ण जी महाराज ने कुछ गणित परक सूत्रों की संरचना की। अधिकांश जो उनके सूत्र उनका हमने विश्लेषण किया है, लगभग 13 सूत्र केवल गणित से संबद्ध हैं, बाकी जो सूत्र हैं उपसूत्र हैं वैदिक गणित में प्रयुक्त विनियुक्त, वे सब के सब मनोविज्ञान व्यवहार दर्शन से संबद्ध हैं। मैं एक संकेत करता हूँ, श्रीमद् भागवत पर प्रवचन करते समय पूरी में यह भाव आया, हमारा जो दर्शन है वो गणित बन जाता है, इतिहास बन जाता है, सृष्टि की संरचना का प्रकार बन जाता है। आजकल पढ़ने पढ़ाने की वो प्रथा विलुप्त है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा से लगभग 12-13 ग्रंथ हमारे गणित पर प्रकाशित थे, अभी 800 पेज का वैदिक गणित की केवल 25 पृष्ठ की सामग्री को 800 पृष्ठों में बहुत विस्तृत करके
भगवत कृपा से लिख रहे हैं। आज लगभग 770 पृष्ठ पूरा हुआ है, हो सकता है 800 पृष्ठ तक वो ग्रंथ जाए, केवल 25 पृष्ठ की सामग्री। ग्रंथ लिखते समय हमको बहुत आह्लाद इसलिए हुआ कि हमने जो दर्शन शास्त्र का गुरुओं से अध्ययन किया था, उस दर्शन शास्त्र को गणित में ढाल दिया है। फिर से सुनिए, दर्शन शास्त्र को गणित में ढाला जा सकता है। एक बहुत ऊंचा वैदिक वाङ्मय का ज्ञाता, वैदिक दर्शन का ज्ञाता हो, वो हजारों प्रकार की विद्या को दे सकता है। दर्शन सामग्री जिसके जीवन में है, विशेषकर गणित में दक्षता वो प्राप्त कर सकता है जो सांख्य और वेदांत दर्शन में पारंगत है। हमने अब तक प्रवचन में यह कहा कि भारतीकृष्ण जी महाभाग ने जिन सूत्रों की रचना की, उन सब की आधारशिला वेद और वैदिक वाङ्मय में सुलभ हैं। बहुत से सूत्र तो ज्यों के त्यों वैदिक वाङ्मय में सुलभ हैं, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, शिष्यते शेष संज्ञा। अब एक संकेत करते हैं, पाश्चात्य गणितज्ञों ने जो भारतीकृष्ण महाभाग से दीक्षा प्राप्त की, शिष्यत्व उनका स्वीकार किया, उन वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने, उनके शिष्यों ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। वैदिक मैथमेटिक्स की ही देन है कंप्यूटर, क्योंकि भारतीकृष्ण जी तीर्थ महाभाग के जो अंग्रेज गणितज्ञ शिष्य हुए, उन शिष्यों के भी जो शिष्य हुए, उन्होंने ही कालांतर में कंप्यूटर नामक यंत्र का आविष्कार किया। मैं तीन सूत्रों का उच्चारण करता हूँ, शिष्यते शेष संज्ञा, एकाधिकेन पूर्वेण, एकन न्यूनेन पूर्वेण। इन तीन सूत्रों के आधार पर बाइनरी सिस्टम की संरचना होती है, जिसको द्वयंग पद्धति कहते हैं। बाइनरी सिस्टम पर अर्थात द्वयंग पद्धति पर भी मेरे 3-4 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। बाइनरी सिस्टम एक संस्कृत में 200 से अधिक सूत्रों वाला एक ग्रंथ हमारा प्रकाशित हुआ है, हिंदी अनुवाद सहित, हिंदी अनुवाद भी हमने ही किया है। उसका नाम है गणित सूत्रम। गणित सूत्रम में 200 से अधिक संस्कृत में सूत्र दिए गए हैं। तो हमने एक संकेत किया कि विश्व को जो कंप्यूटर की प्राप्ति हुई है, वो भी वैदिक गणित की आधारशिला को लेकर ही। मान्य श्री भारतीकृष्ण जी महाभाग के जो अंग्रेज शिष्य थे गणितज्ञ, उन्होंने और उनके शिष्यों ने मिलकर के कंप्यूटर की संरचना की। तो वैदिक गणित में प्रयुक्त शिष्यते शेष संज्ञा, एकाधिकेन पूर्वेण, एकन न्यूनेन पूर्वेण आदि सूत्रों के आधार पर कंप्यूटर की संरचना हुई। आजकल अंतरिक्ष विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं, ये सब भी वैदिक मैथमेटिक्स का पर्याप्त उपयोग कर रहे हैं। लेकिन भारत में किसी भी प्राच्य विद्या के प्रति या वैदिक सिद्धांत के प्रति यह खेद की बात है कि समादर अब तक नहीं है। हमारे ज्ञान विज्ञान से पूरा विश्व आज भी लाभान्वित है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के मूर्धन्य गणितज्ञ दो दो तीन तीन बार मेरे पास आ चुके हैं। 90 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट इतना समय 4-5 बार में उन्होंने लिया है गणित की जटिल से जटिल पहेली सुलझाने के लिए। विदेश के व्यक्ति गणितज्ञ आ जाते हैं, एक विचित्र बात है। जबकि हमारे वे ग्रंथ उस समय अंग्रेजी में भी नहीं थे, केवल हिंदी में थे, तब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मूर्धन्य गणितज्ञ दो बार आए, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के आए। अभी बलराम सिंह जी हमारे पास आए, 3 गोष्ठी में वो सम्मिलित भी हुए। हमने यह संकेत किया, पाश्चात्य जगत बहुत जागरूक है, यहाँ से कोई भी ज्ञान विज्ञान उद्भूत होता है उसको लेने के लिए आतुर भी है, उत्सुक भी है। लेकिन भारत में अपने ज्ञान विज्ञान के प्रति, अपनी मेधा शक्ति के प्रति आज भी आस्था उत्पन्न नहीं हो पाई। एक उदाहरण देता हूँ, नासा जो कि वैज्ञानिक और व्यापारी संस्थान है, भारत के संस्कृत के वे मनीषी विद्वान जो भारत में स्नेह सम्मान और सुविधा नहीं प्राप्त कर पाते, नासा उनको अपनी ओर ले लेता है। उनके मस्तिष्क के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके मुहर नासा अपनी लगा देता, समझ गए। आज भी हमारी मेधा शक्ति विदेशी तंत्र के द्वारा प्रयुक्त और उपयुक्त की जा रही है, विनियुक्त की जा रही है।
लेकिन भारत में ऐसी क्षमता नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति का उपयोग और विनियोग भारत के उत्कर्ष के लिए कर सके। तो हमने एक संकेत किया सज्जन, दर्शन शास्त्र को नीति दर्शन शास्त्र को इतिहास का रूप भी दिया जा सकता है, गणित का रूप दिया जा सकता है, वैदिक गणित की आधारशिला तो दर्शन ही है। तो हमने अब तक यह कहा कि निर्विशेषता की अवधि शून्य है, शून्य ही प्रथम अंक है और अंत में नौ तक कुल संख्या है, दस जो है वो तो दहाई स्थानापन्न है, दहाई स्थानापन्न सैकड़ा स्थानापन्न जो संख्या होती है वो मौलिक अंकों के संयोग से बनती है। इसका अर्थ है कि मौलिक अंक केवल शून्य से लेकर नौ तक ही हैं, उन्हीं का चमत्कार पूरा अंकामनाय है, अंक गणित है। अंक गणित में अंकामनाय और अक्षरामनाय में घनिष्ठ संबंध है, यह भी हमने अपने ग्रंथों में सिद्ध किया है। तो वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में यह समझना चाहिए कि उसकी संरचना की आधारशिला प्रयोग में उपप्रयोग में अनुगत सिद्धांत को संस्कृत के अक्षरों के द्वारा सूत्र में परिणत कर लिया गया। एक विचित्र बात है, उन्होंने एक कूट श्लोक की रचना की, वैदिक मैथमेटिक्स का 40वां अध्याय कूट श्लोक की संरचना की संस्कृत में, जिससे पाई का मान निकलता है। 22/7 सामान्य रूप से पाई को लोग जानते हैं। और एक विचित्र बात है कि आर्किमेडीज आदि के नाम पर पाई की प्रसिद्धि हो गई, लेकिन नारद पुराण में, अग्नि पुराण में और आर्यभट्ट के ग्रंथ में भी सब उस पहले से ही पाई का मान 22/7 भी लिखा गया है। हमारे ज्ञान विज्ञान का अपहरण विदेशी गणितज्ञों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, और खेद की बात यह है कि उनके नाम पर उस ज्ञान विज्ञान की प्रसिद्धि हो गई। अभी हमने पाई पर लगभग 50 पृष्ठ लिखा है, वैदिक ग्रंथ के 40वें अध्याय की व्याख्या, 25वें अध्याय की व्याख्या, पहले अध्याय की व्याख्या हमने 800 पृष्ठों में लगभग की है, वो बताया 770 पृष्ठ आज पूर्ण हुए हैं। पाई का मान भी पहले से ही आर्यभट्ट आदि महान भावों ने अपने ग्रंथों में लिखा है, नारद पुराण में भी पाई का मान पहले संकित है। तो भारतीय कृष्ण महाराज के अद्भुत समस्कृति को उन्होंने 32 चरणों में रेकनिंग पॉइंट के पहले, पुनरुक्ति जो होती है क्रमिक अंकों की, रेकनिंग पॉइंट जिसको कहते हैं, 32 चरणों में विश्व को पाई का मान दिया। 32 चरणों में पाई का मान वैदिक मैथमेटिक्स में दिया गया है। तो अब तक हमने यह कहा कि वैदिक ज्ञान विज्ञान भरपूर हैं, और एक विचित्र बात है कि अंक और अक्षर दोनों में तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। जैसे अण ऋक एवं अयोच हय वरट लण, ये सब है सूत्र, ओ ई ऊ री ऋ ए ऐ ओ औ अम, ये हो गए ना 10। अम का स्थान क्या हुआ 10वां, ओ अनुस्वार मिलकर के अम होता है। अनुस्वार का प्रथम दर्शन अक्षरामनाय में ओ के माध्यम से होता है, जिसका उच्चारण अम होता है, ओ ई उ री री ए ऐ ओ औ अम। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर भी 10वें स्थान पर सबसे पहले शून्य का दर्शन होता है, और अक्षरामनाय की दृष्टि से 10वें स्थान पर सबसे पहले अनुस्वार का दर्शन होता है। पुराने जो गणितज्ञ हैं उनको इस बात का पता है कि पहले अनुस्वार को ही शून्य माना जाता था। अनुस्वार बिंदी लिखते हैं ना, अनुस्वार, उसी को कालांतर में जीरो का रूप दिया गया। प्राचीन गणितज्ञों में अक्षरामनाय में जो स्थान अनुस्वार का है वही गणित में शून्य का था। तो अब 10वें स्थान पर जैसे ओ के योग से सर्वप्रथम व्याकरण के दृष्टि से अनुस्वार की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही गणितज्ञों की दृष्टि से 10वें स्थान पर एक के माध्यम से सर्वप्रथम शून्य का दर्शन होता है। इस पर मैं एक उदाहरण देता हूं, सावधान होकर सुनिए पांडे जी।
अगर राहु केतु की विद्यमानता या राहु केतु की सत्ता पहले से ना हो तो चंद्रमा और सूर्य के माध्यम से भी राहु केतु का दर्शन हो सकता है क्या? महाभारत और श्रीमद् भागवत से बोल रहा हूँ, राहु केतु होते हैं ना, चंद्रमा और सूर्य के माध्यम से चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के अवसर पर तिथि विशेष अमावस्या पूर्णिमा के दिन राहु का दर्शन होता है। लेकिन यदि राहु का केतु का अस्तित्व पहले से न हो तो सूर्य और चंद्र तिथि विशेष में उसका अभिव्यंजक संस्थान कैसे हो सकते हैं? दस जो है प्रथम अंक नहीं है, दस पहली संख्या नहीं है, दस क्या है? मोबाइल ये सब बंद रखें। दस क्या है सज्जनों? दहाई है। दहाई सैकड़ा इत्यादि जो भी संख्या होती है उसमें तो मौलिक संख्या का सन्निवेश होता है दाएं बाएं, यही ना। तो दस में वाई और कौन है? एक है, दहाई स्थाना पर एक है, इकाई स्थाना पर शून्य है, तब दस की प्राप्ति होती है। यहाँ पर एक जो है वो मौलिक अंक है, दस तो मौलिक अंक नहीं है, शून्य भी मौलिक अंक है। अगर इकाई अंकों में कहीं शून्य होता ही नहीं तो प्रथम दहाई अंक जो है संख्या जो है दस, वो एक के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती? इसीलिए जब हम वन माइनस वन इजकल टू जीरो, एक से एक ऋण का करने पर शून्य की उपलब्धि होती है, और वन प्लस जीरो प्लस वन इजकल टू वन होता है, शून्य में एक जोड़ने पर एक की सिद्धि होती है, तो मानना चाहिए कि एक से न्यून संख्या का नाम नहीं, एक से न्यून अंक का नाम, एक की संख्या है संज्ञा, दो की संख्या संज्ञा है, शुक्र नीति से बोल रहा हूँ। लेकिन शून्य जो है संख्या ना होकर अंक है, संख्या ना होकर अंक है। अब थोड़ा विचार कीजिए, अंक और संख्या में क्या अंतर हुआ? गणना की दृष्टि से एक प्रथम अंक होता है, लेकिन स्थान की दृष्टि से शून्य प्रथम अंक होता है। अब मैं उदाहरण देता हूँ, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होगी? आजकल के गणित के अनुसार एक होगी या नहीं? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या नौ होगी, एक अंक के सबसे छोटी संख्या कौन होगी? एक। समान वाचो युक्ति से जब एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक है तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या ग्यारह होनी चाहिए या दस? बच्चे लोग तो चले गए उठ के। एक अंक की सबसे छोटी संख्या जब एक है तो आधुनिक गणितज्ञों को विचार करना चाहिए कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या एक होनी चाहिए या दस, ग्यारह होनी चाहिए या दस? ग्यारह होनी चाहिए, होती कितनी है? अच्छा, गणित का क्रम भी बहुत अच्छा बैठ जाता। एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या नौ, एक को नौ से गुणा कीजिए, नौ की सिद्धि हो जाती है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या को ग्यारह मानते हैं, उसको नौ से गुणा करने पर निन्यानवे दो अंकों के सबसे बड़ी संख्या की उपलब्धि हो जाती है नहीं? तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या एक सौ ग्यारह मानते हैं, तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 111 को 900 गुना कीजिए, 999 हो जाती, बढ़िया तालमेल बैठता। लेकिन गणितज्ञों को क्या सोचा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक, लेकिन दो अंकों की सबसे छोटी संख्या का नाम 10। इससे यह रहस्य प्रकट होता है कि गणना की दृष्टि से एक प्रथम अंक है और स्थान की दृष्टि से शून्य प्रथम अंक है। एक के बाद इकाई स्थाना पर शून्य जब हम रखते हैं, एक शून्य का अभिव्यंजक संस्थान बन जाता है। दो के बाद इकाई स्थाना पर जब हम शून्य को रखते हैं तो दो शून्य का अभिव्यंजक संस्थान बन जाता है। एक और उदाहरण देते हैं और प्रवचन को 8-10 मिनट में विराम भी देते हैं। सावधान, दस को दो से भाग दीजिए, कितना होगा? पाँच होगा या नहीं? पाँच के बाद गिनिए, 6, 7, 8, 9, 10, कितने अंक हो गए? 6, 7, 8, 9, 10। अब एक से गिनिए, 2, 3, 4, 5, एक की कमी पड़ गई या नहीं?
दस में दो से भाग देने पर पांच उत्तर आया या नहीं? पांच उत्तर आया। पांच के बाद दसवां कितने स्थान पर है? अगर मध्य में पांच है तो एक के बाद पांच की संख्या की गिनती क्या होगी? दो तीन चार पांच, चार ही ना, एक की कमी पड़ गई ना, इधर पड़ गई, उधर नहीं पड़ी ना। उधर पांच, इधर चार, और शून्य को प्रथम अंक मानिए तो एक दो तीन चार पांच, पांच की पूर्ति हो गई यानी। इसलिए स्थान के दृष्टि से शून्य को प्रथम अंक मानना पड़ेगा। बीस में फिर दो से भाग दीजिए, सब जगह यही व्यतिक्रम होगा, लेकिन शून्य से गणना मानेंगे तो दोनों ओर मध्य में भागफल, दस में दो से भाग देंगे तो पांच, मध्य में भागफल आ जाता है। इसी प्रकार से अब मैं यजुर्वेद के आधार पर शून्य की प्रथमांकता पर विचार करता हूं। सावधान, एकाचम है ये जो वचन है, फिर क्या है? एक तीन पांच सात नौ, बीच में सम संख्या का अनुल्लेख है, लेकिन जब चतुश्रश्चम है, अष्टौचम है, ये सब इस प्रकार से चार आठ, फिर क्या है? बारह, फिर क्या है? सोलह। चार और आठ के बीच में कितना अंतराल हुआ जी? पांच छह सात। आठ और बारह के बीच में कितना अंतराल हुआ? नौ दस ग्यारह। बारह और सोलह के बीच में अंतराल किस अंक कौन कौन हो गए? तेरह चौदह पंद्रह तीन। अब एक से गणना मानेंगे तो एक और चार के बीच में अंतराल कितने अंकों के? कमी हो गई या नहीं? इसलिए शून्य से अगर मानेंगे तो दो तीन चार संतुलन हो जाएगा या नहीं? इस प्रकार से हमने शून्य को स्थान की दृष्टि से प्रथम अंक माना है और नौ को और एक को गणना की दृष्टि से प्रथम अंक माना है। इस प्रकार से विचार करने पर गणित में जो विसंगति है उसकी पूर्ति हो सकती है, उसका निवारण हो सकता है। नहीं तो आजकल गणित दर्शन विहीन होने के कारण उन्माद पूर्ण हो गया है। और एक विचित्र बात है, अगर गणित में दिशाहीनता होती है तो विज्ञान में भी दिशाहीनता हो ही जाती है। हमारे एक ड्राइंग के अध्यापक थे, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अध्यापक थे दिल्ली में, हाई स्कूल की बात है या हाई सेकेंडरी स्कूल की बात है, जब चीन से युद्ध हुआ था तो हमारे जो बंदूक से गोली निकलती थी वो लक्ष्य तक, विपक्षी योद्धा तक नहीं पहुंच पाती थी। ये घटना घटी, भारत की पराजय में वो घटना हेतु हो गई। तब जो ड्राइंग मास्टर हमको ड्राइंग पढ़ाते थे, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, कोई शर्मा जी थे, उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिख के बताया कि बंदूक बनाने वाले जो हैं वो रेखा गणित के जानकार नहीं हैं, इसलिए बंदूक के निर्माण की प्रक्रिया में भूल है, अतः उससे जो गोली निकलती है लक्ष्य तक न पहुंचकर अगल बगल हो जाती है। उनके सुझाव पर भारत सरकार ने जब ज्योमेट्रिकल ड्राइंग को जानने वाले महान भावों को आगे करके बंदूक की संरचना की, पिस्तौल की संरचना की, तब लक्ष्य तक गोली जाने में समर्थ हुई। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, गणित में जब दिशाहीनता आती है तो विज्ञान का आधार, वैज्ञानिक आविष्कार का आधार गणित है, उस पर पड़ता ही है। तो मैं एक संकेत करता हूं, शून्य को जो अभावांक माना गया ये बौद्धों का प्रभाव पड़ गया गणित पर। फिर से सुनिए, बौद्ध दर्शन में नैरात्म्यवाद है, शून्यवाद है, उसका प्रभाव जब हमारे गणित पर पड़ गया तो मूर्धन्य गणितज्ञ भी आजकल शून्य को अभाव मानते हैं। लेकिन एक विचित्र बात है, शून्य अभाव नहीं है, न्यूनता का नाम अभाव नहीं होता है। नौ से एक न्यून का नाम आठ अभाव नहीं है, एक से न्यून एक का नाम अभाव कैसे हो सकता है? अगर शून्य अभाव वाचक हो तो दस में शून्य न रहने पर एक की स्थिति क्या रहेगी? एक तो इकाई स्थानापन्न एक होगा, उसका महत्व केवल एक तक होगा। जिस शून्य ने
दहाई स्थानापन्न एक को नौ अधिक कर दिया, उसको हम अभाव वाचक नहीं कह सकते। अब आजकल के गणितक कहते हैं अगर हम जीरो फिर वन लिखें, शून्य के बाद एक लिखें, दहाई स्थानापन्न शून्य को रखें, इकाई स्थानापन्न एक को रखें, तब तो वो जो शून्य है दहाई स्थानापन्न वो तो अभाव वाचक है। ये भी गलत है। हमने अपने गणित के ग्रंथों में कहा लिखा है कि जिस शून्य ने नौ बढ़ा दिया एक का महत्व, उसने दहाई स्थानापन होकर उस दस का क्या किया, अपहरण करके नौ ह्रास कर दिया। वर्धक और जो वृद्धि कराने वाला हो, वृद्धिकर हो और घटाने वाला हो, अर्थात वृद्धि या ह्रास कराने वाला, न्यूनता या अधिकता का आधान करने वाला कभी भी अभाव नहीं होता है। शून्य जो है एक के पहले हो, दो के पहले हो, तब मान का अपनोदक होता है, मान में ह्रास को उत्पन्न करता है, और कहीं इकाई स्थानापन हो जाए, एकादि के आश्रित हो जाए, तो मान का वर्धक होता है। मान का भारक या वर्धक अभाव वाचक नहीं हो सकता। अब तक हमने संकेत किया कि दार्शनिक अध्ययन में त्रुटि के कारण बौद्धों का शून्यवाद आ जाने के कारण गणित दिशाहीन है आजकल। उस दिशाहीनता का प्रभाव हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र में भी पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में एक विचित्र बात, बौद्धागम का भी वचन हमने उद्धृत किया अपने ग्रंथों में। शून्य का अर्थ क्या होता है? शून्य का अर्थ होता है एकादि जहां जाकर शून्यता को प्राप्त हो जाए। एकादि की शून्यता का द्योतक शून्य अपने आप में अभाव वाचक नहीं है। 1-1=0, 2-2=0, जिस किसी संख्या को उसी संख्या से ऋण करेंगे पर्यवसान शून्य होगा। शून्य सबका लय स्थान है, शून्य अभाव वाचक नहीं है, एकादि उसमें जाकर विलीन हो जाते हैं। इस दृष्टि से शून्य को शून्य कहा गया है, शून्य अभाव का द्योतक नहीं है। शून्य से आजकल के तो गणित पर हमको हंसी आती है, जीरो पावर का बल्ब, अब बताइए जीरो पावर का बल्ब जब कहते हैं तो उससे प्रकाश थोड़ा आता है या नहीं? तो जीरो अगर अभाव वाचक हो तो जीरो पावर का बल्ब कैसे हुआ? जीरो से 5 डिग्री नीचे लो, जीरो अगर आपकी दृष्टि में अभाव वाचक है तो उससे न्यून अंक कैसे होगा? उपहास का पात्र बन गया आजकल का विज्ञान, क्योंकि गणित की दृष्टि से गणितक एक वाक्य भी शुद्ध नहीं बोल पाते हैं। जीरो पावर का बल्ब, जीरो पावर का बल्ब अगर अभाव वाचक है जीरो, तो उससे प्रकाश कैसे मिलता है? जीरो से इतने डिग्री न्यून शीत सर्दी, इसका अर्थ क्या है? अगर जीरो आपके दृष्टि में अभाव वाचक है तो अभाव से निम्न क्या होगा? अभाव से निम्न तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमने संकेत किया कि आजकल गणित के शोधन की आवश्यकता है। गणित का शोधन जब तक हम सांख्य वेदांत इन सब दर्शनों के विशेषज्ञ नहीं होंगे, तब तक गणित जगत में आमूलचूल जो शोधन अपेक्षित है उस शोधन को उद्भाषित हम नहीं कर सकते हैं। भगवत कृपा से, गुरु गोविंद और ग्रंथों कृपा से अभी तक जितने ग्रंथ हमारे वैदिक गणित पर हुए हैं, सब वैदिक गणित नाम की ही व्याख्या नहीं है, गणित की आधारशिला पे हमारे अन्य ग्रंथ हैं। गणित की आधारशिला, गणित का सैद्धांतिक स्वरूप, दार्शनिक स्वरूप क्या है? इस समय जो वैदिकांश गणित का पहला भाग आज 770 पृष्ठों में पूर्ण हुआ है, प्रूफ देखते समय 10-20 पृष्ठ और बढ़ने की संभावना है। हो सकता है वैदिक गणित के 25 पृष्ठों की व्याख्या 800 पृष्ठों में पहुंच जाए, तो एक बहा आगे भी भगवत कृपा से संयोग सधा तो पूरे वैदिक मैथमेटिक्स की व्याख्या 508 खंडों में लिखने का विचार है। भगवत कृपा से विश्व को अद्भुत प्रकाश मिलेगा। आज के प्रवचन का सारांश यह हुआ कि सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन के आधार पर गणित में जो दिशाहीनता आ गई है कालक्रम से, उसके शोधन की आवश्यकता है। और एक संकेत और कर देते हैं, गणित को दर्शन और मोक्ष शास्त्र बनाने की विधा ही विलुप्त हो गई। गणित को केवल अर्थ शास्त्र तक सीमित रख दिया गया है, जबकि गणित पहले धर्मशास्त्र था, मोक्ष शास्त्र भी था, कामशास्त्र भी था। लेकिन अब तक जैसे अभिनव गुप्त जी ने तंत्रालोक लिखा, और तांत्रिक लोग जानते हैं
हमारा एक ग्रंथ 10 दिन बाद हम लिखना प्रारंभ करेंगे, वो 400 पृष्ठ, 450 पृष्ठ लिख चुके हैं। मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन नामक ग्रंथ लगभग 800 पृष्ठों में होगा, वो भी एक अद्भुत होगा। दर्शन शास्त्र के आधार पर मैं एक दो तथ्य उद्भाषित करके वचन को विराम देता हूँ। पहले होता है मंत्र, फिर होता है तंत्र, फिर होता है यंत्र। मंत्र का अर्थ क्या हुआ, ऋषि लोग क्यों होते मंत्र दृष्टा, यहाँ पर मंत्र का अर्थ होता है, ध्यानपूर्वक सुने, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि में सन्निहित जो सिद्धांत हैं उनका जो दर्शन करने में समर्थ होता है वो मांत्रिक होता है। गणित जगत में मंत्र का अर्थ है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि में सन्निहित क्रियान्वित चरितार्थ सिद्धांत, यह मंत्र है। उसका ज्ञान प्राप्त करके गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का निर्माता कोई थोड़े होता, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत तो पृथ्वी आदि में पहले से विद्यमान है। कोई भी अंश होता है तो उसका आकर्षक अंश ही होता ही है, प्रत्येक विश्राम स्थान में एकम, प्रत्येक अंश का आकर्षणक क्षेत्र अंश ही होता है। एक फल को लीजिए, बल और वेग पूर्वक ऊपर उछालिए, बल और वेग के निरस्त होने पर वो फल कहाँ गिरेगा, किसकी ओर आकृष्ट होगा, पृथ्वी की ओर, क्योंकि वो फल क्या है, गंध नामक गुणयुक्त है, पार्थिव है, पृथ्वी का अंश है, इसलिए प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। या वृक्ष से फल गिरता है, पुष्प गिरता है, पत्तियां गिरती हैं, उनका आकर्षण का केंद्र पृथ्वी क्यों होती है, नीचे क्यों गिरती है पत्तियां, क्योंकि वो पार्थिव है, पृथ्वी के अंश हैं, प्रत्येक अंश का आकर्षण क्षेत्र, आकर्षणक क्षेत्र अंशी होता है। अमेरिका में जिस भवन पर आतंकवादियों ने आक्रमण करवाया था या किया था, 110 मंजिल का वो भवन था, आजकल यांत्रिक विधा का आलंबन लेकर 110वीं मंजिल पर भी जल को पहुंचाया जा चुका है। वहां भी टोटी खोलने पर जल की धारा नीचे की ओर अप्लावित क्यों होती है, क्योंकि वो जल की धारा अंश है, अंशी कौन है, महोदर समुद्र। इसी प्रकार आप दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप की शिखा ऊपर क्यों उठती है, क्योंकि दीप की शिखा है अंश, अंशी कौन है, नभो मंडल में विद्यमान आदित्य या सूर्य। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो हर अंश पर लागू होता है। तो हमने क्या कहा, मंत्र का अर्थ होता है पृथ्वी तत्व में सन्निहित सिद्धांत, उस सिद्धांत का कोई दर्शन करता है वैज्ञानिक, उसके बाद उस सिद्धांत को कार्य तक परिणत करने, कार्य तक पहुंचाने के प्रोसेस मेथड या विधा का नाम तंत्र होता है। तंत्र से तंत्र, तंत्र माने विस्तार, वो प्रोसेस प्रक्रिया या मेथड जो किसी सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचा सके उसका नाम, बीच की घाटी का नाम होता है तंत्र। और उस तंत्र को अंत में जाकर यंत्र का रूप प्रदान किया जाता है। हमारे यहाँ भी थोड़ा तंत्र शास्त्र पर दो चार वाक्य बोल देते हैं, देवता का कारण शरीर होता है मंत्र, पूरे तंत्र शास्त्र को 3 वाक्यों में बोल सकते हैं। देवता का कारण शरीर होता है मंत्र, देवता का सूक्ष्म शरीर होता है तंत्र, देवता का स्थूल शरीर होता है यंत्र। इसी प्रकार से आविष्कार में तो गणित जो है वो क्या करता, आकलन करता है, गणित के द्वारा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन भूतों में, इन तत्वों में जो सिद्धांत नियम अधिनियम परंपरा से अनादिकाल से सन्निहित हैं उनका दर्शन करके फिर उसे यंत्र तक पहुंचाना, व्यवहारोपयोगी बनाना, इसके बीच में जो प्रोसेस प्रक्रिया या विधा मेथड है उसका नाम है तंत्र। तो हमने कहा कि गणित में त्रुटि आने पर आविष्कार में भी यंत्र आदि में त्रुटि आ जाती है, और अभी जो गणित है वो केवल अर्थशास्त्र तक सीमित रह गया है, उसमें भी त्रुटि बहुत है, लेकिन सचमुच में वैदिक वाङ्मय में जो गणित है वो मोक्ष शास्त्र तक है। तो जैसे तंत्रालोक इत्यादि तंत्र के ग्रंथों में अंगन्यास करन्यास करते या नहीं, भूशुद्धि वुशुद्धि करते या नहीं, अक्षरों के द्वारा, तो जैसे अक्षर का उपयोग परमात्मा जो अक्षर स्वरूप परमात्मा है उनकी प्राप्ति में है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति एकम रूपम बहुधा यह करोति, इसी प्रकार से सदैव सौम्य दमग्र आसित, जैसे एक
एकम सद विप्रा बहुधा बोधंती, भगवान एक हैं अद्वय हैं, सदैव सौम्य दमग्र आसित एकम एव अग्रे आसित एक। उस परमात्मा एक तक पहुँच जाने की जो विधा है उसका नाम सज्जनम गणित है। इस समय का गणित मोक्ष शास्त्र नहीं रह गया, दर्शन शास्त्र नहीं रह गया, तो गणित शास्त्र में शोधन की प्रक्रिया हमारे यहाँ से चल रही है। और गणित शास्त्र को श्रम विहीन आह्लादप्रद सरस सुगम बनाने की प्रक्रिया का अनुसंधान आविष्कार किया भारतीय टेंजे महाभाग ने। उन महामनाम को नमस्कार कर हम बच्चन को विराम देते हैं। हर हर महादेव। नीचे से ही पादुका करो। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की